हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अली आज़मी ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप लोग का दोस्तों। कि जैसे कि आप लोग को ड्राइवर के बारे में मैं जानकारी देते रहता था, आज भी ड्राइवर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी तक तो यहाँ की सऊदी अरब की ड्राइवर के बारे में जानकारी देता था, आज आपको बॉम्बे के बारे में जानकारी देता हूँ। जब मैं आज के 2 साल पहले बॉम्बे में ड्राइवरी करता था, मेरे सेठ का नाम था अली नमाजी, जो कि वो ईरान से थे, लेकिन उनको नेशनलिटी इंडिया में है। उनके उनकी पैदाइश इंडिया की है, सब कुछ है, और बहुत मशहूर डोंगरी में इमामबाड़ा रोड पे मुग़ल मस्जिद है, उसके ट्रस्टी हैं वो। उन्हीं की मैं ड्राइवरी करता था। उनके अंदर की आज खूबियां बताने जा रहा हूँ कि यहाँ के ड्राइवर में, यहाँ के सेट में और वहाँ के सेट में क्या फ़र्क है। उनके अंदर ये क्वालिटी अच्छी खूबी थी और उनके अंदर बहुत अच्छी सलाहियत थी। उन्होंने कभी मुझे ड्राइवर नहीं कहा, मैं उनके यहाँ 2 साल काम किया हूँ, कभी उन्होंने ड्राइवर नहीं कहा। हमेशा कहते थे निकलना है, चल बेटा निकलना है, यही उनका अल्फाज रहता था, चलो बेटा गाड़ी स्टार्ट करो, निकलना है। और दूसरी खूबी उनके अंदर क्या थी, अगर कहीं वो कोई पार्टी में या कभी जल्दी तो जाते नहीं थे, और कभी अगर गए तो उनके अंदर ये खूबी थी कि वो जहाँ जाना था वहाँ वहाँ से थोड़ी देर पहले ही गाड़ी रोकवा लेते थे, बेटा इधर ही गाड़ी रोक दे, अच्छा नहीं लगता गेट के पास गाड़ी रोकूं और उतरूं। ये सब बहुत मतलब सोच और इंसानियत और उनके अंदर दिखावापन नहीं था, बहुत बड़ी ये सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर थी। और उनके एक भाई भी थे, अहमद भाई, उनके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। और हमारे जो सेठ के दोस्त लोग थे, जितने भी उनसे मिलने जुलने आते थे, जो उनके करीबी खास दोस्त थे, उन लोग भी इसी टाइप के थे और ऐसे ही थे, बहुत बड़े दिल वाले रहते थे। और अली भाई का भी दिल बहुत बड़ा था। आज भी मैं सऊदी में हूँ, लेकिन बातचीत कभी कभी करते रहता हूँ और साहब से उनको सलाम दुआ भेज देता हूँ, और वो भी जो है भेजते हैं, बेटा ठीक हूँ, हाल चाल ले लेता हूँ। और उनकी जो है इंसानियत बहुत अच्छी थी, कितने लोग की अंदर अंदर मदद करते थे वो तो उन्हीं जानते हैं, और कुछ लोग को तो मैं जान गया था कि बहुत वो मदद करते थे, और मगर किसी को जाहिर नहीं होने देते थे। और जो है जैसे कहीं बाहर निकलते थे खाना खाने के लिए, होटल में अगर खा रहे हैं तो और सेठों के लिए जैसा नहीं, यहाँ के जैसा नहीं कि तुम ड्राइवर हो दूसरे टेबल पे बैठ जाओ, दूसरे टेबल पे बैठ के खा लो जो खाना है, नहीं, साथ में अपने टेबल पे बैठालते थे और बोलते थे जो बेटा खाना हो बोल दो, नहीं तो फिर मैं बोलूँ। तो इतने अच्छे से पूछते थे और इतने अच्छे से बात करते थे कि उस जैसा सेठ के यहाँ अगर ड्राइवरी मुझे ज़िंदगी भर करनी हो तो मैं करता, लेकिन अगर कोई मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ गई, कुछ कारण हो गया कि मैंने छोड़ दिया, नहीं तो करता। बहुत खूबी थी उनके अंदर, गाड़ी भी दे देते थे, ले जाओ ले आओ, सेम यहाँ के जैसे आना जाना, जैसे मैं रहता था उनका घर था ईरान रोड पे, अब मैं मुग़ल मस्जिद, आना जाना, सोना रहना, खाना पीने का सब इंतज़ाम दिए थे, और कहते थे बेटा गाड़ी लेके जाओ। बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत नेक आदमी हैं, ऐसा सेट मिल जाए तो जल्दी आदमी काम छोड़ने को वहाँ नहीं तैयार होता है, लेकिन कुछ मजबूरी मेरी आ गई थी जो मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा और यहाँ सऊदी आना पड़ा। सऊदी में तो दिक्कत कितनी है आप लोग जानते हैं और बताते रहता हूँ, और बॉम्बे में
उनके यहाँ मुझे फिर अगर मैं यहाँ से गया और उनके यहाँ काम करने का चांस मिला तो मैं करूँगा। और ऐसी जगह जल्दी आदमी नहीं छोड़ता है, और सब अच्छे लोग थे, उनकी फैमिली भी अच्छी थी। तो दोस्तों जो है यही बता रहा था कि बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे उम्बे में अपने सेठ कोई भी हो वो फैमिली जैसा समझ लेते हैं, अपने घर जैसा समझते हैं, ड्राइवर को फैमिली जैसा समझ लेते हैं। वो तो एकदम बहुत मानते थे, बेटा जैसा मानते थे, बहुत मान करते थे, बहुत वो करते थे, कभी रेते से नहीं बात करते थे, बहुत तमीज़ तरीके के थे और पढ़े लिखे थे, बाकायदा बेहतरीन इंग्लिश बोलते थे। और मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं भी वैसे ही उन्हीं के जैसा अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश मेरे दिल में रह गई क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी औरत मेरा साथ छोड़ दिए। फिर अगली वीडियो में और बताऊंगा, उनके भाई के बारे में बताऊंगा, उनके दोस्तों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी हो अली आज़मी व्लॉग चैनल तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। नमस्कार। जय हिंद।